कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होगी, कब सुरक्षित होगी, सवाल का जवाब जरूर जनता हासिल करेगी। ये छात्र यही हासिल करना चाहते हैं और उसी अपनी मांगों को लेकर रुकना नहीं चाहते। इस कदर वाटर कैनन आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल, बावजूद उसके देखिए डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। झंडा जो लहरा रहा है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत देखिए पुलिस कर्मियों की खुद खराब हो रही है, क्योंकि धुआं आंसू गैस का वो इस तरफ आ रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर प्रदर्शनकारियों की स्थिति क्या हो रही होगी। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे, देखिए ये कैसे मुंह पर हाथ रखकर सभी उल्टे पैर आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो आंसू गैस का धुआं है गोलों का वो इस तरफ हमारी तरफ आ रहा है, उसी के चलते पुलिस कर्मियों को पीछे होना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, आगे वाटर कैनन की तरफ दिखाएं कैमरामैन कि अगर दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी क्या हालत होगी। पिछले अभी तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से वो एक आंसू गैस का गोला जो शायद पुलिस को फेंकना प्रदर्शनकारियों की तरफ था, लेकिन जिस तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो वहीं पुलिस की गाड़ी के सामने ही हट गया और वहीं पर धुआं, जिस तरफ पुलिस वाले मौजूद हैं वहीं पर वो धुआं बढ़ने लगा। ये जो पुलिस वाले आपकी तरफ पीछे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी यही वजह है कि जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद वहीं पर ही वो आंसू गैस का गोला फूट गया और उससे वो धुआं बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र वरुण आप कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से इतनी कोशिशें की जा रही हैं प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की, बावजूद इसके जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं इनके हाथों के तिरंगे वो लगातार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कोलकाता पुलिस यहां पर कुछ नर्वस होती हुई अब नजर आ रही है और उसी नर्वसनेस के चक्कर में ये जो आंसू गैस का गोला, ये लोहे की दीवार जो कोलकाता पुलिस ने बनाई है उस पार जाने की बजाय जिस तरफ प्रदर्शनकारी मौजूद थे इसी पार जहाँ पुलिस मौजूद है वहीं पर सब कुछ धुआं धुआं। वरुण देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब एक आंसू गैस का गोला पुलिस कर्मियों के नज़दीक ही उस तरफ फेंकते वक्त फट गया तब यहां पर यह स्थिति पैदा हुई और पुलिसकर्मी खुद उल्टे पीछे भाग रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि वहां दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर अब तक 85 आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हो चुका है। हमारी स्थिति यहाँ पर इतनी दूर खड़े होकर बेहद ख़राब हो गई है, देखना मुश्किल हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया। वहां पर प्रदर्शनकारियों की क्या स्थिति होगी आप देखिए। अभी भी वाटर मैं लौटूंगी वरुण जैन आपके पास, आवाज कट रही है आपकी, इस बीच जल्दी से लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी मनुज्ञा लोहिवाल भी प्रदर्शनकारियों के बीच ही मौजूद हैं। वरुण जैन जहां एक तरफ हावड़ा ब्रिज पर, वहीं मनुज्ञा लोहिवाल जो हैं वो सांतरागाछी इलाका जहां पर प्रदर्शनकारी रह रहकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोलकाता पुलिस रह रहकर उन्हें रोकने के लिए कभी पानी की बौछार, कभी आंसू गैस के गोले और यहाँ तक की कभी हल्का लाठीचार्ज भी करती हुई नजर आ रही है। जल्दी से लेकर चलते हैं आपको मनुज्ञा के पास, जानते हैं मनुज्ञा से सांतरागाछी में इस समय किस तरीके के हालात और कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। मनुज्ञा देखिए वोलेटाइल सिचुएशन या कैच 22 सिचुएशन होती है ना, ठीक वही हो रखी है। ये सामने प्रदर्शनकारी है, ये रहा आपके सामने ड्रोन, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है, पुलिस लगातार कंट्रोल रूम से देख रही है और उसके साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कोई उधर रुक रहा है कोई उधर रुक रहा है, लेकिन ये सेकंड टू सेकंड स्थिति चेंज हो रही है। जो मैं सेकंड से सेकंड कह रही हूँ आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर कैंप लगा है, कैंप के साथ यहाँ पर न जाने कितने सारे प्रदर्शनकारी शामिल है। यहाँ पर पहले इन्हें रोकने की कोशिश की गई, अभी यहाँ रोकने के बाद आगे बढ़ रही है पुलिस। पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है महिला पुलिस की तैनाती आज बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। ये देखिए प्रदर्शनकारी कैसे कूद कूद के इधर से उधर जा रहे हैं और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, यहीं पर तालियां बजाकर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका विरोध हो रहा है, आपने आप पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लाठीचार्ज भी हम लोग देख रहा है। पुलिस तो पुलिस पुलिस के साथ बहुत शासक दल का हरमत बहिनी, वो भी हम लोग का कार्यकर्ता के ऊपर, हम लोग का युवा समाज के ऊपर, हम लोग का छात्र के ऊपर आक्रमण चला रहा है। ये कैसे तानाशाही सरकार है, ये कैसे पत्थर भी मार रहा है। आरोप लग रहा है कि उसे मारा गया है। वहीं आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये जो आपको जितनी तस्वीरें दिख रही हैं ये
छाबड़ा पुलिस जो फिर आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, इनके एक एक कदम जैसे जैसे बढ़ते हैं वहाँ आगे प्रदर्शनकारी, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में पत्थर भी है। यही कहा गया था अभी तक कि अगर ये प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण रहेंगे तो कम से कम यहाँ पर प्रदर्शन करने दिया जाएगा, पर जैसे जैसे बैरिकेडिंग तोड़ी गई है और उसके साथ यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, हाथों में तिरंगा तो वहीं दूसरी ओर लगातार दफा एक दावी एक, ये देखिए इन सबको हटाया जा रहा है धीरे धीरे, ये पुलिस की तरफ से सबको हटाया जा रहा है, सबको हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए धीरे धीरे। पुलिस जितना शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है, पर एक बार यहाँ पर अभी पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये मानवता दिखाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, पर यही तो आक्रोश है जिसे संभालने की कोशिश की जा रही है और यही नाराजगी है जिसकी वजह से जनता आज सड़कों पर उतरी हुई है, ये विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग रही है। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके पास आंदोलनकारी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर जितने भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैडम জলের মধ্যে থেকে আন্দোলন করছেন, প্রতীকী আন্দোলন, মানে যে ছবিটা দেখাতে বলবো